Hello parents and welcome back to my channel. I am Indrani and you are watching Mom's Care with INDU. आज हम बात करेंगे बेबीज की फीडिंग बॉटल की निपल के साइज के बारे में, मतलब बेबीज के एज के हिसाब से बेबी के लिए कब कौन से साइज का फीडिंग बॉटल निपल यूज करना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा है कि मैं कौन सी निपल यूज़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, या तो फिर आप अपने बेबी का एज मुझे बताते हैं और बोलते हैं कि अब आपको कौन से साइज़ का निपल अपने बेबी के लिए यूज़ करना चाहिए। तो मुझे लगा ऐसे अलग अलग तरीके से आप लोगों को जवाब देने की वजह इस टॉपिक के ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो होना तो बनता है, ताकि हम सबको एक आइडिया मिल जाए कि कौन से एज के बेबी के लिए कौन सा फीडिंग बॉटल निपल यूज़ करना चाहिए। तो हेयर इट इज़, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि बेबी के एज के हिसाब से कब कौन से फीडिंग बॉटल का निपल बेबी के लिए यूज़ करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, उसे लाइक कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियोज़ अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अपने बेबी के लिए सही फीडिंग बॉटल निपल चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सही मतलब फीडिंग बॉटल निपल की मटेरियल सही होना चाहिए, फ्लो सही होना चाहिए, एज के हिसाब से आप अपने बेबी के लिए जो फीडिंग बॉटल निपल यूज़ कर रहे हो उसका साइज़ सही होना चाहिए। ये सब कुछ देखकर ही बेबी के लिए एक सही फीडिंग बॉटल निपल चूज़ करना चाहिए, ताकि बेबी को फीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि बेबी की फीडिंग बॉटल निपल की वजह से ही बेबीज़ फीडिंग बॉटल को रिफ्यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर यही होता है कि या तो बेबी के मुंह में ज़्यादा मिल्क जाता है या कम मिल्क जाता है, इस वजह से बेबी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फीडिंग बॉटल को रिफ्यूज़ करते हैं। तो इसीलिए बेबी के लिए एक सही फीडिंग बॉटल निपल चूज़ करना एज ए पेरेंट हमारे लिए एक ड्यूटी है, और हमें एक सही फीडिंग बॉटल निपल ज़रूर चूज़ करना चाहिए अपने बेबी के लिए। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ फीडिंग बॉटल निपल के बारे में शेयर किया है, मटेरियल शेयर किया है कि फीडिंग बॉटल निपल की कौन कौन सी मटेरियल होता है। वो वीडियो आप ज़रूर देखो, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपके बेबी के लिए सही फीडिंग बॉटल निपल चूज़ करने में वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक और वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि फीडिंग बॉटल की निपल जो है वो कब कब चेंज करना चाहिए या कब स्विच कर लेना चाहिए, क्यों कर लेना चाहिए, ये सब कुछ भी मैंने आप लोगों के साथ एक अलग वीडियो में शेयर किया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या तो फिर आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी के एज के हिसाब से आपको कब कौन से साइज का फीडिंग बॉटल निपल यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है प्रीमी निपल, जो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए यूज किया जाता है, मतलब 0 to 1 month के बेबीज के लिए ये प्रीमी निपल यूज किया जाता है। इस निपल में स्मॉल वन होल होता है, छोटा सा एक होल होता है, ताकि बेबीज को फीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रीमेच्योर बेबीज के लिए ये प्रीमी निपल यूज किया जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, मतलब 0 to 1 month के बेबीज के लिए ये प्रीमी निपल यूज किया जाता है, और उन्हीं के लिए ये निपल डिजाइन किया गया है, ताकि न्यूबॉर्न बेबीज को फीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद आता है लेवल वन निपल, जो 1 month to 3 month के बेबीज के लिए यूज किया जाता है। इस लेवल वन निपल में वन नॉर्मल होल होता है, और ये स्लो फ्लो निपल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि बेबीज इस टाइम पे ज़्यादा फास्ट फ्लो अगर निपल आप यूज़ करोगे तो बेबीज को फीड करने में बहुत परेशानी होगी। तो इसीलिए लेवल वन निपल जो है वो 1 month to 3 month के बेबीज के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये स्लो फ्लो निपल है, और इसमें वन नॉर्मल होल होता है। और अब इसके बाद आता है लेवल टू निपल,
जो 3 मंथ टू 6 मंथ के बेबीज के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक मीडियम फ्लो निपल है। इस टाइम पे बेबीज के माउथ में प्रॉपर क्वांटिटी में मिल्क जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 टू 6 मंथ के बेबीज जो होते हैं, इस टाइम पे अगर बेबी के माउथ में प्रॉपर क्वांटिटी में मिल्क ना जाए तो बेबी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और बॉटल छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पे प्रॉपर क्वांटिटी में बेबीज़ के माउथ में मिल्क जाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इस टाइम पे मीडियम फ्लो यूज़ किया जाता है। बट अगर आपको ये लगे कि आपका बेबी मीडियम फ्लो नहीं ले पा रहा है, मीडियम फ्लो निपल से बेबी को परेशानी हो रही है, बेबी की माउथ से मिल्क गिर रहा है, बेबी को फीड करने में परेशानी हो रही है, तो फिर आप स्लो फ्लो बट 2 होल जो निपल मिलता है वो आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब स्लो फ्लो बट 2 होल जो निपल मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ये लगे कि बेबी को मीडियम फ्लो से प्रॉब्लम हो रही है तो। और अब इसके बाद आता है लेवल 3 निपल, जो 6 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक फर्स्ट फ्लो निपल होता है जो बेबीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। 6 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए फर्स्ट फ्लो निपल ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे भी प्रॉपर क्वांटिटी में बेबी के माउथ में मिल्क जाना चाहिए, वरना बेबीज़ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसीलिए 6 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए फर्स्ट फ्लो यूज़ किया जाता है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि बेबी को फर्स्ट फ्लो से प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट फ्लो निपल बेबी नहीं ले पा रहे हैं, फीड नहीं कर पा रहे हैं, उसे परेशानी हो रही है, तो फिर आप 3 होल मीडियम फ्लो निपल भी यूज़ कर सकते हो। मतलब मीडियम फ्लो निपल बट उसमें 3 होल होगा, वो निपल भी आप 6 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। वरना नॉर्मल फर्स्ट फ्लो जो निपल होता है वो 6 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए ईजिली आप यूज़ कर सकते हो, अगर बेबी को कोई परेशानी ना हो तो। और अब इसके बाद आता है लेवल 4 निपल, जो 9 मंथ प्लस या तो फिर 1 ईयर प्लस बेबीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये निपल बिल्कुल फर्स्ट फ्लो निपल है, क्योंकि इस टाइम पे ज़रूर बेबीज़ को फर्स्ट फ्लो इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर बेबी के माउथ में मिल्क ना जाए तो बेबीज़ बहुत गुस्सा करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट फ्लो निपल तो ज़रूर इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए आफ्टर 1 ईयर। तो इसलिए ये जो लेवल 4 निपल है वो 9 मंथ प्लस या फिर 1 साल के बाद आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए बेबी के लिए। बेबी जब फिंगर फूड खाना शुरू कर दे तभी से बेबी को फर्स्ट फ्लो निपल देना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि 9 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए फर्स्ट फ्लो निपल ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और इसमें 4 होल्स होते हैं। सब ब्रांड में 4 होल्स ना भी हो सकता है, लेकिन फिर भी 9 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए फर्स्ट फ्लो निपल ही यूज़ करना चाहिए। और अब उसके बाद आता है वाई कट निपल, जो 1 ईयर प्लस बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, या तो फिर आप 9 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए भी ये वाई कट निपल यूज़ कर सकते हो। तो ये जो वाई कट निपल है वो 9 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए या तो फिर 1 ईयर प्लस बेबीज़ के लिए खास करके डिज़ाइन किया गया है। इस निपल का जो होल है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब अगर डॉक्टर ने आपको कोई थिकर फार्मूला दिया है तो वो थिकर कोई फार्मूला बेबीज़ को पिलाने के लिए ये वाई कट निपल यूज़ किया जाता है, या तो फिर जूस वगैरह पिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब बेबी को थिक कोई घनी चीज़ पिलाने के लिए ये वाई कट निपल यूज़ किया जाता है। तो 1 ईयर प्लस बेबीज़ के लिए ये वाई कट निपल बिल्कुल बेस्ट होगा। जब आप बेबी को जूस पिलाओगे या कोई थिकर फार्मूला दोगे तो उस टाइम आप बेबी के लिए ये वाई कट निपल यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बेबी को पहले से ही फार्मूला देते हो तो फिर आप बेबी को एज के हिसाब से ये जो चार्ट है, साइज चार्ट है निपल का, ये बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा। मतलब बेबी को अगर न्यूबॉर्न से ही आप फार्मूला देते आ रहे हो तो बिल्कुल बेबी के एज के हिसाब से ही चेंज करते रहना चाहिए निपल और बेबी को पिलाते रहना चाहिए, अगर बेबी को आप शुरू से ही फार्मूला देते हो तो। बट अगर आपका बेबी ब्रेस्टफीड करता है और आप सोच रहे हो कि अभी बेबी को बॉटल इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, तो फिर आप पहले बेबी को स्लो फ्लो जो 1 होल नॉर्मल 1 होल स्लो फ्लो निपल होता है वही बेबी को पहली बार देना चाहिए, उसी से बेबी को आसानी होगी फीड करने में। बट अगर आपका बेबी पहले से ही फार्मूला ले रहा है तो फिर निपल का जो साइज़ चार्ट है उस साइज़ के हिसाब से ही आपके बेबी के लिए एज के हिसाब से निपल चेंज करते रहना चाहिए और बेबी को पिलाते रहना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और आप लोगों को जो निपल से रिलेटेड जो भी सवाल होगा उन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगा मेरी इन वीडियोज़ से, आई एम श्योर। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
Thank you for watching. Moo moo, moo moo, and the moo moo here and the moo moo there, here moo there moo everywhere moo moo. Pig, ank ank. Cow, moo moo. Goat, ba ba. Sheep, ba ba.